भाई वो हैडरा नहीं है जो मूसी रिवर के अंदर जो है मार्किंग करा, वो हैडरा नहीं है, वो मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। लेकिन अफसोस की बात है, हमारी लीडरशिप को ये नहीं मालूम, हैडरा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, हैदराबाद हैडरा डॉन डॉन के नारे लगा रहे हैं, हैडरा हटाओ घर बचाओ बोल के जो है चीखा मार रहे हैं। एक अजीब है भाई, कम से कम एक दो क्लास पढ़ लेते यार हो तो समझ में आती बात। देखो घर तोड़ा मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाले आपके घरों की मार्किंग कर रहे हैं, आपके घर वो लोग तोड़ रहे हैं, आप लोग लगा रहे हैं हैदरा मुर्दाबाद। खैर ठीक है, वो जीता बोल के छोड़े होता तोते रटे जैसा, रटते और कुछ है ही नहीं। मुख्तसर सी बात ये है हजरात के मूसी रिवर फ्रंट के मुतालिक ये आज कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद ये वर्क को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब मेरा वर्ड को थोड़ा गौर से समझिए, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट का मतलब उसको अमल कर रहे हैं। ये जो मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का कॉरपोरेशन का जो मूसी रिवर का जो प्लान हुआ वो BRS के दौर में हुआ और उसकी भरपूर तारीफ अकबरुद्दीन अवैसी साहब ऑलरेडी असेंबली के अंदर कर दिए, लंदन को जाके कर दिए, लंदन के अंदर भारी मफलर पहन के फिर आके तकरीर में पार्लियामेंट इलेक्शन में बोले कैसा दिख रहा था मैं, मफलर कैसा था, सूट कैसा था, ये सब बातें भी करके आए। मूसी रिवर फ्रंट देखने के वास्ते तो, मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के वास्ते तो लंदन जाके आए, मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए तो असेंबली में आप कांग्रेस की तायीद करें। अब जब मूसी रिवर फ्रंट वाले आ जा रहे हैं आप आगे नहीं आ रहे। अरे भाई कहाँ गए भाई, कोसी बिल में छुप गए, निकलो बाहर आवाम के साथ ठहरो, आके बोलो आवाम जितना परेशान है आज। अरे भाई मैं ये देखो यहाँ पर सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ, मेरे को आप ये बताओ असद बाबा नगर किशनगंज किशनबाग में कौन प्लॉटिंग करा, किसके नाम से असद बाबा नगर मूसी रिवर के ऊपर बना, कौन बनाने लगा? मैं नामा जानता हूँ, बेचारे मरहूम है इसलिए नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन कौन ठहर के बेचने लगाया था, किसके नाम से रखा गया था, किससे इजाजत लेके असद बाबा नगर मूसी रिवर में बनाया गया, बना के वहां पर देखो MLA साहब का लेटर आ गया, MLA साहब जो है लेटर दे दिए यहाँ पे CC रोड सैंक्शन हो रही बोल के MLA के लेटर बताए। देखो MP साहब का लेटर आ गया इलेक्ट्रिसिटी के 350 KV के जो है ट्रांसफॉर्मर्स का जो है सैंक्शन हो गया, MP साहब के लेटर बताए, आप लाके MLS के लेटर बताए, ड्रेनेज की लाइन वहाँ पे जो है खुदने के लिए ड्रेनेज की लाइन का प्रपोजल सैंक्शन हो गया बोल के MLA का लेटर बताए। आवाम वो देख के आवाम वहाँ पर जमीन खरीदी, अपना घर बनाई, तो किसके कहने पे बनाई भाई, किस कौन बेचा हो? आज वो बेच के 12-12 करोड़ की कारा लेके बैठी, आज वो नदी बेच के, आज औरतें हमारे निकल के रोडों पे जो है एहतजाज कर रहे हैं, बुरखे वाली औरतें, बेचा सो वाला महलों में बैठा हुआ है, बेचा सो वाला अपने बेटों को 12 करोड़ की कार दिलाता, 12 करोड़ की कार दिला के 12 करोड़ की कार में उन्हें इंस्टाग्राम पे रील बना के डालता। अरे भाई बेचने कौन लगाए, वो जो शख्स बेचा उन्हें असद बाबा नगर किसके नाम से रखा, कौन है हैदराबाद में असद बाबा, नहीं जानते हैदराबाद के लोग? अरे आप खुद पहले नदी के अंदर घुस के आप खुद लोगों को एश्योर करें कि खरीदो बोल के, आप खुद लेटर दिए 350 KV का ट्रांसफॉर्मर डालो बोल के, आप खुद लेटर दिए वहां पे ड्रेन लाइन डालो, आप खुद लेटर दिए CC रोड डालो, अब जब टूट रहा तो फिर असेंबली में भी आप तायद कर रहे हैं तोड़ दो बोल के, आप फिर लंदन को जाके आप तायद कर रहे हैं तोड़ दो। अरे गरीबों को आप भीख में दिए जैसा सिंगल बेडरूम डबल बेडरूम के घर दे रहे, कितने देते, कहां से देते, जितने घर टूट रहे हो तो देते आप दिला सकते आप। आप थोड़े दिन पहले फलकनुमा पैलेस के दामन में आप ठहर के याकूतपुरा बहादुरपुरा चंद्रायन गुट्टे के पूरे लोगों को बुला के सिंगल बेडेड रूम अलॉट कर रहे हो बोले, एक भी अलॉटमेंट करे आज 1 साल हो गया, किसी एक को भी दिए, एक को भी दिए जब आपके गवर्नमेंट से ताल्लुकात अच्छे थे, जब आप नहीं दिए या तो टिल्लू RSS अन्ना सब मुखालिफत करे से वाले हैं, आप करने के बाद कहां से ला के देते हो लोगों को, आप कहां से ला के देते आप, आप बोलो मेरे को खुला बोलो कहां से ला के देते आप। अरे गरीब आवाम को लेटरा बता के प्लाटा बेच दिए, गरीब आवाम को आपका नाम रखे तो बस्ती खरीद लिए वो लोग, उन्होंने आपकी सरपरस्ती वो नाला वो तालाब मूसी नदी के अंदर भर के बेचने वाला है बोल के आपकी सरपरस्ती है बोल के गरीब आवाम खरीद ली, आपके नाम से खरीदी, आपकी खयादत आपके चेहरे पर भरोसा करके खरीदी, अब तोड़ने को आ रहे हैं तो कोई नहीं आ रहा, आके बोल रहे खाली तो करना है लिहाजा आप जो है चले जाओ डबल बेडरूम का हमला मकाना दे रहे फूला पहन ले रहे। अरे मेरे भाई एक मजाक बना के रखे यारो,
अब मैं बोला तो फिर लोग बोलते कई को बिलाल भाई तुम हमेशा आते हैं मुखालिफत करते, हमेशा आते मुखालिफत करते बोले। अफजलगंज मेटर्निटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट लैंड पे था, अफजलगंज पे जिसको जजी खाना बोलते थे, मस्जिद के बिल्कुल सामने था, पुराने लोग जानते वहाँ पे था। वहाँ पे वो ज़मीन खाली कराए, वो ज़मीन खाली करा के वहाँ पर DFR कशिश दुकान बनाए, बिल्डिंग बनाए, बड़ी अपार्टमेंट बना, वहाँ पे हॉस्पिटल खाली करा दिए। वो गवर्नमेंट लैंड की हॉस्पिटल आप खाली करा के आपका MLA वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाया, और जो गवर्नमेंट लैंड पे जो हॉस्पिटल था उसको लेके जाके मूसा नदी में डाल दिए, FTL लैंड में उसको लेके जाके डाल दिया। सिटी कॉलेज के बिल्कुल सामने पेटला ब्रुज की जो रोड टर्न ले रही वो टर्न पे ले आके मूसी नदी में उसको लेके जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डाल दिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लैंड खाली करा के अपनी ओन प्रॉपर्टी बना लिए, अफजलगंज दजी खाने की बात कर रहा हूं, वहां से वो दौखने को उठा के लेके जाके FTL में मूसी लैंड के अंदर डाल दिए, और अब FTL के अंदर वो दाखना टूट जाता। यहां पर जो गवर्नमेंट लैंड थी वो गवर्नमेंट लैंड है, आप बेच लिए। कौन बेचा? आपका MLA नहीं बेचा, जिसके अंदर आज भी DFR और कशिश है। क्या वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं था वहां पे? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल खाली कराए। अब बताइए, स्टेट लाइब्रेरी के सामने, अफजलगंज स्टेट लाइब्रेरी के सामने मूसी नदी के अंदर 2 एकड़ जमीन भरंती भर के टेम्पोस को लॉरीज को पार्किंग की जगह दिए, कौन ले रहा मामूल वासे? नाम बोलूं? आपसे क्या ताल्लुक है उसका मालूम? ये वीडियो सुनने वालों को मालूम है कि वो कौन मामूल ले रहा और वहां पर कौन कर रहा। अरे एक अजीब माहौल बना है। लिहाजा मेरी बस बोलने वाली बात इतनी है, ये जो डिमोलिशन हो रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप मूसी रिवर का डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, यकीनन उसको सही मूसी नदी को डेवलप करना चाहिए। मूसी नदी डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बनेगा। लेकिन इस तरीके से आवाम को रोडों पे लाके, आवाम को सड़कों पे बिठा के, आवाम को परेशान करके, उनकी ज़िंदगी सड़कों पे करके, ऐसा खूबसूरत शहर हमको नहीं चाहिए। मैं वाजह तौर पे कह दूं, ऐसा खूबसूरत शहर हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर करना ही है, ये जो लोग आज मूसी नदी में है, यानी मूसी नदी के जो उनके जो प्रोजेक्ट के बीच में जिन लोगों का घरा है, उन लोगों को फौरी वहाँ से हटाइए, उनको अलाटमेंट दीजिए, डबल बेडरूम सिंगल बेडरूम जो उनके घरा बन सकते हैं उनकी फैमिली के हिसाब से उनको घरा दीजिए, उसके बाद आप खूबसूरत शहर बनाने की बात करिए। आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ वीडियो के जरिए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप मूसी रिवर पर जो मुसलमानों पर, जो गरीबों पर जो लोग परेशान हो रहे हैं, आप उनके लिए आवाज़ उठा के बताइए। आप नहीं उठाते, इसलिए नहीं उठाते क्योंकि आपके 50 पक्के हैं। आप इधर आवाज़ उठाए, देखिए आपकी बिल्डिंग का ट्रेंड चला ट्विटर पे, फातिमा ओवैसी स्कूल का ट्रेंड चला, हैडरा डिमोलिश करने वाला है बोलकर ट्रेंड चला। दूसरे दिन खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब को पकड़ के लेके जाके KCR करने बैठ गए। आज हमारी औरतें 4 दिन से एहतजाज कर रही, बुरखे पहन के हमारी औरतें, मुस्लिम औरतें हमारी 4 दिन से एहतजाज कर रही। कहाँ भाग रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब आप? हैदराबाद में जलसा है JPC का तो बम्बई चले जा रहे हैं, बम्बई में JPC की मीटिंग है तो हैदराबाद आ जा रहे हैं, कब तक भागते? आइए फिर खालिद सैफुल्ला रहमानी जैसे किसी आलिम को पकड़िए, मुफ्ती को पकड़िए, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदमी को पकड़िए, पकड़ के जाके आप फिर से एक बार रेवंत से मुलाकात करिए, मुलाकात करके बोलिए कि ये हम करने के लिए तैयार है, हम मूसी रिवर को डेवलप करने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ के लोगों को अकोमोडेट करो बोलो पहले, उसके बाद आप शहर को खूबसूरत बनाओ। देखो शहर वैसे खूबसूरत नहीं हो सकता, हमारी औरतें, हमारी माँ बहन, हमारे लोग परेशान हैं, और आप शहर की खूबसूरती की बात कर रहे हैं, ऐसी खूबसूरती पे कलंक है। हमारे पास आवाम को सहूलत भी होना, उसके बाद शहर की खूबसूरती की बात करो, वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा।